वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग। दोस्तों, कल का जो दिन था वो लास्ट टाइम में बाइक में प्रॉब्लम हो चुका था, पानी घुस चुका था बहुत ज़्यादा मूसलाधार बारिश के कारण। और मैंने अभी बाइक को टाइट कर दिया है और अभी निकलते हैं मार्केट, देखते हैं वहाँ पर कौन कौन सा काम है, आप लोग को भी अपडेट किया करेंगे। और अभी फिलहाल जल्दी से जल्दी टाइम वेस्ट नहीं करते हुए निकलते हैं मार्केट। मैं और राहुल जा रहे हैं मार्केट में और उसके बाद फिर आप लोगों को करते हैं अपडेट वहां से। और सबसे पहले अभी तेल लेने चलते हैं, तेल ले लेते हैं क्योंकि तेल लेना जरूरी है। सबसे पहले पेट्रोल पंप में चलते हैं। हम निकल चुके हैं पेट्रोल पंप के लिए और अभी हम जा रहे हैं रिंग रोड होते हुए पेट्रोल पंप, आपको अपडेट देते ही रहेंगे। बहुत ही ज़्यादा जाम है और जाम में हम लोग फंसे हुए हैं काफ़ी देर से। ये जाम कितना समय में छूटेगा और काफ़ी समय हो चुका है जाम का। चलिए जैसा होगा बताएंगे आप लोग को। मैं यार राहुल यहाँ पर आए थे रूम देखने के लिए, नया घर खोजने के लिए, क्योंकि हम लोग का जो पुराना घर है वहाँ से हम लोग को निकलना होगा इमीडिएट, बैक टू बैक बहुत ज़्यादा काम आ रहा है। तो अभी फ़िलहाल हम आए थे इस जगह में, लेकिन यहाँ पर भी रूम खाली नहीं है। आगे देखते हैं कि क्या स्थिति है, मैं आप लोग को ज़रूर बताऊँगा। क्यों राहुल, आगे चलते हैं ना? यस, चलिए। चलिए। बहुत ज़्यादा मशक्क़त करना पड़ा आज, जो कि मैं अभी रूम में आ चुका हूँ। और हमने, मैं और राहुल दोनों मिलके बहुत जगह घर खोजे, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिला है जहाँ पर हम लोग जाकर रह सकें। तो कहीं पर पानी का प्रॉब्लम, कहीं पर लाइन का, कहीं पर स्टे का प्रॉब्लम, ठीक है, इस तरह का छोटा छोटा प्रॉब्लम हम लोग को फेस करना पड़ा है। और अब देखते हैं कि क्या स्थिति है। अगर यहीं पर बात होता है तो यहीं पर रहेंगे, नहीं तो कोई नया ठिकाना खोजेंगे। तो अभी तक हम लोग बहुत ज़्यादा थक के आए हैं और अभी फ़िलहाल मैं आप लोग को बोल दिया हूँ, अब देखता हूँ क्या कर सकता हूँ, ठीक है, आप लोग को ज़रूर बताऊँगा। और अभी फ़िलहाल कुछ खा लेता हूँ, खा के उसके बाद देखता हूँ, लाइनअप करता हूँ। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे साथ में ये हुआ है अभी फ़िलहाल कि मेरा जो जियो का नेट है ना वो ख़त्म हो चुका है, साथ साथ में जो टावर है ना पूरा का पूरा नेटवर्क ख़त्म हो चुका है, एकदम नेटवर्क ख़त्म हो चुका है। हाँ, और अभी अभी पता चला है मुझे कि ये कोई कॉमर्शियल पर्पस पे यूज़ हो रहा है, इसीलिए ये बंद हो चुका है। तो देखता हूँ क्या कर सकता हूँ, आप लोग वीडियो में कंटिन्यू रहना, मैं आप लोग को अपडेट देता ही रहूँगा। राहुल यहाँ पर चावल और बड़ी का सब्जी बना रहा है, देखते हैं कि किस तरह का स्वाद लगता है, खाएंगे। तो अभी ये बन रहा है, समय लगेगा थोड़ा सा, खा लूँगा उसके बाद जाऊँगा ड्यूटी और आपको वहाँ पर भी दिखाऊँगा कि आज क्या हो रहा है और आज क्या है, क्योंकि आज ये प्रॉब्लम होगा मेरा, मेरा जो नंबर है वो बंद हो चुका है, जिस नंबर से मैं ड्यूटी इजीली किया करता था। तो देखता हूँ कि किस तरह का प्रॉब्लम को मुझे शो करना पड़ रहा है, तो मैं आप लोग को अपडेट जरूर करूँगा। इसी तरह से बने रहें। खाना भी निकाल चुके हैं, देखते हैं टेस्ट करके क्या स्थिति है और मज़ा आएगा, खा लेता हूँ उसके बाद फिर बात करता हूँ आप लोगों से। अभी अभी मैं भोजन कर चुका हूँ, चलता हूँ ड्यूटी और करता हूँ आप लोग को अपडेट। मैं अभी अभी ड्यूटी ऑन कर चुका हूँ और अभी अभी एक ऑर्डर गिरा है मेरा, तो अभी चलते हैं, ऑर्डर करते हैं और आप लोग को आगे का दिखाते हैं कि क्या स्टेटस है। मैं ऑर्डर ले चुका हूँ, जा रहा हूँ धीरेन्द्रपुरम जहाँ के कल मैं गया था, और करता हूँ आपको अपडेट। अभी अभी मैं जा रहा हूँ धीरेन्द्रपुरम और यहाँ पर देना है मुझे फूड और उसके बाद मैं करता हूँ आप सभी को अपडेट। अभी अभी मेरे साथ में बहुत बड़ा लफड़ा हो गया है। जब मैं ड्यूटी कर रहा था ना तो मेरा जो नंबर है वो काम नहीं कर रहा था, BSNL का बहुत गंदा सर्विस है, यहाँ पर इंटरनेट नहीं चल रहा है धनबाद में। तो मैं अभी ड्यूटी मुझे बंद करवाना पड़ा ऑफिस में बोलकर। तो अभी क्या है ना कि मैं ड्रेस चेंज करता हूँ और जाता हूँ, एक सिम ले लेता हूँ जितना जल्दी हो, और अभी उसके बाद में मैं आप लोग को अपडेट देता हूँ। मैं ड्रेस चेंज करता हूँ उसके बाद अपडेट देता हूँ तुरंत। ड्रेस चेंज कर चुका हूँ और चलते हैं, सिम लेते हैं उसके बाद देते हैं आप लोग को अपडेट। दोस्तों, हालत ख़राब हो गया है। अभी अभी मेरा जियो का नया नंबर जो कि मैंने अभी परचेज किया है वो चालू हो चुका है, तो वो उसका भी मैं आप लोग को अपडेट दे रहा हूँ। और अभी फ़िलहाल मेरा हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। मैंने कल का प्रोग्राम के लिए माँ दुर्गा का फ़ोटो और मिश्री भी ले लिया है और कल प्रोग्राम भी होगा और बहुत सारा कल कुछ होने वाला है जो कि मैं आप लोग को अपडेट करूँगा। और आज तो घर खोजने से मिला नहीं और ड्यूटी भी नुकसान हुआ जो कि मैंने आपको बोल दिया। ये सब छोटा छोटा जो प्रॉब्लम हुआ है ना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है और आज तो मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। चलता हूँ रूम और वहाँ पर जाके करता हूँ पेंटिंग आगे का, क्योंकि क्लाइंट को भी जल्दी से जल्दी दे देना है। तो करता हूँ और थक गया हूँ मैं, तो करता हूँ आप लोगों से बात। अरे बार बार मैं एक ही चीज़ बोल रहा हूँ,
दोस्तों मैं थक गया हूँ इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। चलिए रूम चलते हैं और करते हैं आगे का बात का अपडेट। मैं आज बहुत पहले ही रूम आ चुका हूँ और चलते हैं कुछ काम कर लेते हैं जो पेंडिंग काम है। ऐसे तो सिर्फ पेंटिंग ही बनाना है, पेंडिंग काम है, तो देखते हैं कितना बन पाता है। आप लोग को अपडेट करेंगे और उसके बाद वीडियो एडिट करेंगे। तो फिलहाल आप लोग को मैं दिखाऊंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। चलिए, रात का 1:33 हो चुका है। इस नैपकिन पेपर के मदद से हमने कुछ ये फूल बनाया है जो कि खोलने के बाद एक अलग ही इसका एहसास होगा। सुबह है डांडिया का प्रोग्राम, यानी कि शाम को है, ठीक है, वो 3 से लगभग स्टार्ट होगा। मैं आप लोग को उसमें दिखाऊंगा किस तरह से डेकोरेशन हुआ है। कुछ फूल भी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये जो फूल है ये भी लेकर जाना है मुझे कल सुबह, और आप लोग को मैं अपडेट भी करूँगा और दिखाऊंगा भी कि किस तरह से सजाया जा रहा है और मैं कहाँ पर जा रहा हूँ करने के लिए डांडिया का प्रोग्राम जो होगा। तो दोस्तों, आज का जो समय था ना, वो समय बेहतरीन तो नहीं किया, नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन आप लोग का अगर साथ रहा ना इसी तरह से, अगर आप लोग सपोर्ट करते रहे तो हमेशा दिन अच्छा जाएगा और कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अभी के लिए आप लोग को बस इतना ही करना है कि अगर चैनल में आप लोग नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो। ओके दोस्तों, मिलते हैं कल सुबह एक नई सोच और एक नई उमंग के साथ। अभी के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर दोस्तों।